डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे, अगेन एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो बी फॉर्म थर्ड सेम का है, जो पेपर नंबर है BP301T, मतलब फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज थर्ड। ओके, मतलब थर्ड सेम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूंगा। तो इसमें आप देखिएगा, पहला तीन सेक्शन आते हैं इसमें, ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स होते हैं, और इसके सेक्शंस होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो 20 मार्क्स का होता है, और जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, आपको सारे के सारे करने होंगे। उसी तरह से सेक्शन बी होता है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो 35 मार्क्स का होता है, और उसमें 7 क्वेश्चंस करने होते हैं 10 क्वेश्चंस में से। ओके, उसी तरीके से एक सेक्शन सी होता है जिस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जो 20 मार्क्स का होता है, 2 क्वेश्चंस करने होते हैं 3 में से। ओके, इस तरह से आपके 3 सेक्शन होते हैं। तो अपन पहले सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का था। इसमें जनरली इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब 10 क्वेश्चंस होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे। पहला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखिएगा, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ डीडीटी। डीडीटी क्या होता है, इसमें आपको कैसे लिखना है। पहला इसका फुल फॉर्म लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है, फुल फॉर्म के बाद में इसका स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर के बाद में इसका आपको क्या करना है, इसका यूजेज लिखना है। इस तरह से आपका इसका आंसर लिखेंगे, पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। कहने का मतलब, इस सेक्शन में आप 20 में से 20 ले सकते हो टू द पॉइंट आंसर करके। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखेंगे ये चीज बताऊंगा, साथ में आपको क्या करना है, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्वेश्चन के आंसर को मैं लिंक करूंगा, ताकि आपको आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन की बात करूंगा, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सैक्रीन। फिर वही चीज आता है, सैक्रीन का सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ में इसका यूज कर बताना है। तो कहने का मतलब, ये सिंपल सा यदि आप स्ट्रक्चर और यूज बना देंगे, अगेन 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ क्रिसोल। सेम चीज लिखना है जिस तरह से पहला क्वेश्चन था। फिर आता है नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ नैफ्थलीन, मींस वही सेम चीज आंसर लिखना है। मतलब यहाँ पे तीन चार तरह के क्वेश्चंस, बहुत सिंपल से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से करना है। स्ट्रक्चर एंड यूजेज आपके सिलेबस में बहुत सारे दे रखे हैं, सभी का यदि आप एक साथ लिख के याद कर लेंगे तो आपको 100% बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। फिर आता है नेक्स्ट, अगेन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, शायद आपको पता होगा। सिंपली नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ अल्फा नेफ्थोल। कहने का मतलब, ध्यान देना, अल्फा नेफ्थोल और रिसोर्सिनोल ये कौन से वाले चैप्टर से हैं, आपके फिनोल वाले चैप्टर से हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और उसका यूज बताना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइंड एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू क्या होती है, सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन आपको आईपी के अकॉर्डिंग लिखोगे तो थोड़ा सही रहेगा, और यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। कहने का मतलब, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, एग्जामिनर बिल्कुल भी मार्क्स नहीं काट पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट, गिव द डेफिनेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू। सेम चीज आपको करना है, आईपी के अकॉर्डिंग, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, और उसके हिसाब से उसके बाद में फिर क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले में जो चीज लिखो उनको थोड़ा सा इंडिकेट कर देना है कि कौन सी वैल्यू किस चीज के लिए इंडिकेट करता है, मतलब कौन सा सिंबल किसके लिए इंडिकेट करता है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फेनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन का अगेन स्ट्रक्चर आपको बनाना है, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद में उसका यूज लिखना है। तो कहने का मतलब, यहाँ पर भी वही 2 नंबर आपके पक्के हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ डाइफिनाइल मैथेन। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, तो कहने का मतलब दोस्तों, आप लोगों को सिंपल सा स्ट्रक्चर एंड यूजेज पे करीबन 20 नंबर के 100% क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, उनमें जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो वो बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन हर चैप्टर में से स्ट्रक्चर एंड यूजेज को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है।
फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का, जो 35 मार्क्स का था, जो 7 क्वेश्चंस आपको करने हैं और हर क्वेश्चन के 5 नंबर हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, एक्सप्लेन एरोमेटिसिटी विद हकल रूल विद सूटेबल एग्जांपल। ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले आपको डेफिनेशन बतानी है एरोमेटिसिटी की, पहला चीज। फिर उसके बाद में हकल रूल को आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है, हकल रूल क्या होता है और हकल रूल को हर तरह के आपको एग्जांपल्स के साथ में एक्सप्लेन करोगे तो आपको आंसर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और आंसर आप जो यदि लिखेंगे तो पॉइंट्स में लिखेंगे तो और अच्छा आपका आंसर रहेगा और प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा, राइट शॉर्ट नोट ऑन सिंथेटिक यूज ऑफ एराइल डाई एजोनियम सॉल्ट। ध्यान होगा, सबसे पहले इसमें डेफिनेशन बतानी है आपको, डेफिनेशन किसकी, एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट मतलब ये डाइएजोटाइजेशन की रिएक्शन के साथ बनाया जाता है। यदि याद हो तो आपको बहुत सिंपल सी रिएक्शन है और उसके बाद में उसको सिंथेटिक यूज बनाना, कहने का मतलब इससे हम फिनोल भी बना सकते हैं, एल्केन, एराइल एल्केन भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट हम इसको किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके सिंथेटिक यूज बहुत सिंपल से हैं। फिर उसके बाद में आता है एक्सप्लेन सैपोनिफिकेशन वैल्यू। सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, अब देखना यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको इसको डेफिनेशन में लिखना है, डेफिनेशन इसकी एज पर आईपी लिखेंगे बहुत सही रहेगा। फिर उसका आपको सिग्निफिकेंस लिखना है, सिग्निफिकेंस का मतलब यहाँ ये वैल्यू कहाँ काम आती है, किस जगह काम आती है, इसका ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। उसके बाद में आपको इसका प्रोसीजर सॉरी प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेशन, प्रिंसिपल लिखना है डिटर्मिनेशन का, तो मतलब उसमें रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है और कौन सा पार्ट ऑयल का वो रिएक्शन करता है वो चीज आपको लिखनी है। फिर उसके बाद में आपको इसका प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर के बाद में इसका लास्ट में आपको इसका फॉर्मूला लिखना, तो कहने का मतलब आपको इस तरह से आप इसको आंसर को सेग्रीगेट पॉइंट्स में करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट जाएगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ओके, फिर आता है नेक्स्ट, कौन सा, डिस्कस द बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। दोस्तों बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी किसके लिए होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए होता है, आपको शायद पता होगा साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन के लिए, उसमें उनकी स्ट्रक्चर को, तो कहने का मतलब सबसे पहले इसका ये थ्योरी फॉर व्हाट किसके लिए दिया जाता है, फॉर व्हाट पहला पॉइंट रहेगा, फॉर व्हाट किसके लिए दिया जाता है ये वो चीज लिखनी है। उसके बाद में इसका मेन चीज लिखना है, मतलब मेन थ्योरी जो होती है वो चीज लिखनी है। उसके बाद में आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके उस उन पॉइंट्स को आपको क्लियर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ध्यान रहे, यहाँ पे जितने ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे इस थ्योरी में उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रिएक्शंस ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन शायद आपको पता होगा, साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन का होता है, साइक्लोब्यूटेन इस तरह से 4 कार्बन का होता है, इनकी रिएक्शन बतानी है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है, तो आपको ये सारी रिएक्शन कैसे लिखनी है ध्यान देना, इनका स्ट्रक्चर बनाना है पहले, उसके बाद में इनकी लिस्टिंग करनी है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है उन लिस्ट बतानी है, उसके बाद में वन बाई वन आपको उसको डिस्कस करना है हर रिएक्शन को। तो ध्यान रहे, यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान बता देता हूँ, जब भी रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल और एंड प्रोडक्ट का नाम जरूर लिखें, रिएक्शन की कंडीशन जरूर लिखें, ताकि आपको आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा हो, ज्यादा नंबर मिलेंगे। उसी तरीके से ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड। ध्यान देना, बेंजोइक एसिड क्या है, बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देंगे तो हम उसको बेंजोइक एसिड बोलेंगे, इसकी रिएक्शन हमें लिखनी है, तो ये सबसे सिंपल सी बात है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना है बेंजोइक एसिड का, और उसके बाद में किस तरह की रिएक्शंस देता है, रिएक्शंस किस तरह की देगा, बिकॉज
चार्ज ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप, तो उनको रिएक्शंस को कैटेगराइज कर ले, रिएक्शन को कैटेगराइज करके फिर उनको आपको इंडिविजुअल रिएक्शन को आपको लिखना है, तब आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ओके तो इस तरह से पांच नंबर फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिएक्शंस ऑफ फैट्स। तो ध्यान देना फैट्स क्या होते हैं, एस्टर्स ऑफ, सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन लिखने के साथ में क्या लिखेंगे आप, एस्टर्स ऑफ फैट्स, एस्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड जिसको अपन बोलेंगे फैटी एसिड्स, तो ये चीज आपको लिखनी है। उसके बाद में उसकी रिएक्शंस आपको बहुत सिंपल सी रिएक्शंस है इसकी, वो रिएक्शंस की लिस्टिंग करनी है, मतलब लिस्ट लिखनी है। उसके बाद में इंडिविजुअल वन बाय वन आप रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन लगते टाइम हर रिएक्शन का एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है, उस सिग्निफिकेंस का मतलब उसका इंपोर्टेंस है, उस इंपोर्टेंस को भी लिखना ना भूलें ताकि आपका मार्क्स ना कटे। ओके फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, राइट द रिएक्शंस ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का मतलब तीन या इस तरह से रिएक्शन ये हो गए, जैसे नेफ्थलीन हो गया, इस तरह से फिनेंथ्रीन हो गया, तो इस इन इनकी रिएक्शन आपको लिखनी है, इस तरह से आपको इनकी रिएक्शन लिखनी है। तो ध्यान रहे इसमें आपको क्या करना है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, पहले इनकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद में इनकी रिएक्शंस कौन कौन सी होती है उनकी कैटेगरीज लिखनी है, और फिर इंडिविजुअल आपको आंसर करना है। इस तरह से लिखेंगे तो आपके नंबर ज्यादा मिलेंगे। फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, गिव ब्रीफ नोट ऑन एविडेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर, ध्यान रहे बेंजीन का स्ट्रक्चर ये वाला ही है जो अपन बनाते हैं, ये वाला बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर के लिए कौन कौन से एविडेंस हुए थे वो सारे चीज लिखने, करीब 8-10 एविडेंस है, उन एविडेंस को कंप्लीटली डिस्कस करोगे तब 5 नंबर मिलेंगे। ओके तो ध्यान रहे हर एविडेंस का आपको प्रूफ बताना है, प्रूफ बताओगे तभी आपको लिखेंगे, तो एविडेंस नंबर 1, 2, 3 के हिसाब से लिखेंगे, और उसका फेवर के लिए कौन कौन से पॉइंट है वो पॉइंट आप जरूर लिखेंगे, तभी आपको आंसर कंप्लीट होगा। ओके फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, राइट शॉर्ट नोट ऑन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। एरोमेटिक एसिड ध्यान देना, मैंने अभी बताया था बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एसिड इस तरीके वाला आपका एरोमेटिक एसिड हो गया, इनको बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, तो पहले सबसे पहले एरोमेटिक एसिड का डेफिनेशन होगा, क्या होगा डेफिनेशन होगा, उसके बाद में इनकी रिएक्शंस को लिस्टिंग करनी है, रिएक्शन कौन सी प्रिपरेशंस की, प्रिपरेशन वाली रिएक्शन कौन कौन सी होगी वो रिएक्शन आपको लिस्टिंग करनी है, फिर आपको इंडिविजुअल उनको डिस्कस करना है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया 10 नंबर, ध्यान रहे 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसमें से आपको 7 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, बाकी आपको नहीं करने, मतलब 3 ऑप्शन क्वेश्चन आपको छोड़ सकते हो। ओके फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन सी सेक्शन, जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए होता है जिसमें 20 मार्क्स का होगा, इसमें जनरली इस तरह के आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे जिसमें क्या होगा हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा और 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो ध्यान देना पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ फिनोल, एक्सप्लेन क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनोल्स। ध्यान देना सबसे पहले फिनोल्स क्या होते हैं ये आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिनोल्स क्या होते हैं डेफिनेशन लिखनी है, और उसका बाद में उसका एग्जाम्पल, जैसे मतलब एरोमेटिक रिंग पे इसका डेफिनेशन क्या होता है, एरोमेटिक रिंग पे OH ग्रुप होगा हम उसको फिनोल्स बोलते हैं, एरोमेटिक रिंग पे हम उसको यदि क्या होगा OH ग्रुप होगा तो हम उसको फिनोल्स बोलते हैं, ये फिनोल की कैटेगरी में आता है। तो ध्यान रहे ये हो गया, और उसके बाद में उनकी ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की कौन कौन सी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शंस लिखेंगे, फिर इंडिविजुअल आप उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उसी तरह से इनकी रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, रिएक्शंस फिनोल की मतलब उनका नेचर जो एक्सप्लेन करने वाला है, जो नेचर एक्सप्लेन करने वाला, ध्यान रहे यहाँ पे जैसे आप OH ग्रुप की अलग से रिएक्शन लिख सकते हो जिस तरह से, और रिंग की अलग से रिएक्शन लिख सकते हो, तो आपको एग्जाम में उसी तरह से लिखना जैसे आपको बुक में आपको कैटेगराइज किया हुआ है, तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है और सारी रिएक्शन एक्सप्लेन करोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनोल, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनोल नेक्स्ट सेक्शन होगा जिसमें आपको क्या करना है,
हैं, जो फिनोल के जो टेस्ट होते हैं, क्वालिटेटिव का मतलब यहाँ पे ध्यान देना, फिनोल के कौन कौन से टेस्ट हैं, कहने का मतलब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात कर रहा है ये, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात कर रहा है, मतलब फिनोल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो टेस्ट आपको सारे लिखने हैं। एक ही टेस्ट नहीं लिखना है, आपको बहुत सारे टेस्ट लिखने हैं जितने इसके पॉसिबल है, ओके, तभी आपके पूरे पूरा क्वेश्चन कवर होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट डिटेल नोट ऑन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एमीन्स, एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। तो ध्यान देना, एरोमेटिक एमीन का मतलब सिंपल सी बात कर रहा है ये, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग हो गया, एमीन का मतलब NH2 हो गया, मतलब मैं बात कर रहा हूँ एनिलीन की। इस एनिलीन की क्या करना है आपको, इसकी सबसे पहले एरोमेटिक एमीन्स की आपको डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल लिखना, जैसे पढ़ने एनिलीन लिखा है उसी तरह से इसका क्या करना है आपको, रिएक्शंस इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन सी है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शंस लिखनी है ध्यान रहे, और उसके बाद में इसकी रिएक्शंस लिखनी है, रिएक्शंस में वही सारी चीज जिस तरह से कैटेगराइजेशन करेंगे, कैटेगराइजेशन के लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग करने के बाद में इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे तो ये अपनी कंप्लीट रिएक्शन होगी। और उसके बाद में बेसिसिटी, जैसा आपको शायद पता हुआ NH2 ग्रुप है किस पे, बेंजीन रिंग पे, तो शायद आपको पता होगा किस तरह से कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर ये बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर आपको एक्सप्लेन करना है पूरा कंप्लीटली, तो ये चीज आपको क्यों होता है, किस वजह से होता है, इस पे कोई सब्स्टिट्यूशन होगा तो किस तरह से होगा, ये सारी चीज आपको कंप्लीट डिस्कस करनी है, पॉइंट वाइज करेंगे तो आपको आंसर अच्छा होगा, ओके। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। फिर आता है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोस्तों ये चीज सिंपल सा, आप इसको एग्जांपल के तौर पे शुरुआत करेंगे, बेंजीन को मैं बता रहा हूं, बेंजीन ये वाली स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको अपन ESR रिएक्शंस भी बोलते हैं, इनका सबसे पहले डेफिनेशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, सब्स्टिट्यूट रिएक्शन देता है, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों देता है ये चीज लिखनी है, और उसके बाद में इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा, सपोज R कोई सब्स्टिट्यूएंट है, R दो तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है एक, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, मतलब उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और ओरिएंटेशन का मतलब उसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होगा या मेटा पोजीशन पे अटैक होगा या पैरा पोजीशन पे अटैक होगा, ये ओरिएंटेशन हो गया। उसी तरह से दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कौन सा हो जाएगा, डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, उसकी वजह से रिएक्टिविटी उसकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी ये बताना है। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों सिचुएशन में आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के पूरा एक्सप्लेन करोगे तभी आपको आंसर कंप्लीट माना जाएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर्स आपको 9 स्ट्रक्चर्स बनानी होती है तो वो चीज ध्यान रखना है। उसी तरीके से आपको ओरिएंटेशन, मतलब यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो ऑर्थो पे अटैक होगा, मेटा पे अटैक होगा या पैरा पोजीशन पे अटैक होगा, ये सारी चीज आपको बताओगे पॉइंट वाइज वन बाय वन तो तभी आपको रिएक्शंस कंप्लीट मानी जाएगी, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ट्राई टू एक्सप्लेन विद द स्ट्रक्चर एज वेल एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सी सबसे कम स्टेबल है, उसका आपको रीजन लिखना है, तभी आपका अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा, तभी आपका अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, ओके। फिर इसी तरह से अब मैं बात करता हूँ, लास्ट में मैं समराइज कर रहा हूँ। सेक्शन ए आ गया आपका यहाँ पे सबसे पहले, जिसकी ये हमने 10 क्वेश्चंस बताए थे मैंने आपको, जिसमें स्ट्रक्चर यूज DTT, सैक्रीन, क्रिसोल, नेप्थलीन, रिसोर्सिलोल, अल्फा नेप्थोल, एसिड वैल्यू की डेफिनेशन थी, आयोडीन वैल्यू की डेफिनेशन थी, फिर स्ट्रक्चर यूज ऑफ फिनेन्थ्रीन, डाइफिनाइल मेथेन, तो इस तरह से हमारा ए सेक्शन था दोस्तों। और आप थोड़ा सा कोशिश करना, 100% क्वेश्चन आने वाले इसमें से। उसी तरीके से आपको ध्यान देना, यहाँ पे दूसरा सेक्शन आ गया आपका बी सेक्शन, जिस
इसमें से दो ही 10 क्वेश्चन है लेकिन इसमें से सात ही करने हैं, जैसे एक्सप्लेन एरोमेटिसिटी विद हकल रूल, दूसरा आ गया सिंथेटिक यूज ऑफ एराइल डाइजोनियम सॉल्ट, फिर एसैपोनिफिकेशन वैल्यू, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, और उसके बाद में रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, रिएक्शन ऑफ फैट्स, रिएक्शन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, स्ट्रक्चर एविडेंस ऑफ फॉर द बेंजीन और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन हो गए, 10 में से आपको यहाँ पे ध्यान रहे 7 क्वेश्चंस ही करने हैं, तो थोड़ा सा अपन को एक्सप्लेन वाइज सही तरीके से चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन, थर्ड सेक्शन था, ध्यान होगा मैंने आपको बताया था पहला डिस्क्राइब इन डिटेल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ फिनोल एंड क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनोल्स। फिर दूसरा क्वेश्चन बताया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन एंड एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। फिर थर्ड क्वेश्चन आता था एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरह से आपके सारे के सारे सेक्शन कंप्लीट होते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को इनेबल कर लेना, लाइक और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि अब मैं लगातार आपके लिए मॉडल पेपर डालने वाला हूँ थ्योरी पे, और अगले सेमेस्टर के लिए भी मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स डालने वाला हूँ, तो ताकि आपसे मिस ना हो ये चीज मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ, तो कंटिन्यूसली अपडेट करता रहूंगा, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वंस अगेन।